गाइस अभी मैं भाभी के कमरे में हूँ और आपको जो पार्ट वन दिखाया गया था वो पार्ट वन सही था। और देखिए अभी ये पूरा नाश्ता बनाएंगे सुबह तक मॉर्निंग तक भाभी भाभी अरे बनाइए लेकिन अच्छा कपड़ा पहनिए पड़े तैयार होकर बनाइए उनका मतलब खतीजरों की तरह रहती है वैसे ही बना लेती हैं आप लोग। अरे पापा बोलते हैं मेरे को बैठे पैर खुला अरे आप अपना दुपट्टे ले लीजिए आगे इनका दुपट्टा इनका पूरा कमरे में का कपड़ा फैला है क्या किया जाएगा। कल ये वाला सूट पहनी थी भाभी पहनी थी ये वाला पिंक कलर वाला सूट खा सकती हो आप लोग इतनी क्यूट है ये वाली मैंने कहा था अभी अच्छी लग रही है इसको रात भर तक पहने पहनी थी मॉर्निंग में कह रही थी मेरा तीन फ्लोर गंदा है तो ये वाला पहन ले फिर साल लोअर दिल्ली से आया है था फिर चेंज कर ली चेंज कर ली। भाभी आपका दुपट्टा खा रखा है पानी इनका दुपट्टा खा रखा है। चलिए उतना चलते हैं और भाभी का आलू का पराठा दिखा कर देखिए इसमें शायद चावल बन रहा होगा इस चीज में कुकर में चावल बन रहा होगा वहाँ के पापड़ थोड़े मुड़े मम्मी वो आलू के पापड़ ध्यान दीजिए वो वाले जो उस दिन बनाया गया था दो दो के बना दो वो वाला तो खाती हैं आप। नहीं ये वाला तीखा लगता है ना नहीं ज़्यादा थोड़ी ना खाते हैं वो वाला आलू का बना दीजिए भाभी पता है अलार्म बार बार बज रहा है इसमें है चावल है खा सकते हैं तो चावल है यहाँ जैसे फिर चावल भाभी के कमरे में आटा है मुझे येलो कलर का वो है ना डिब्बा उसमें अचार है इसमें भी अचार है रेड वाले में इसमें गुड़ है इस वाले में इसमें गुड़ है उन्हें मम्मी भर दी उसमें आधा थी मम्मी। और देखिए इधर सारा काम हो गया है बस इसमें चावल बन रहा है और सब हो गया है तो गाइस अब इतना यहीं तक करते हैं। अच्छा लगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा बाय।